हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सारिका और आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। और हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस साल बहुत सारे लोग इसको भूल गए हैं। उसका रीजन है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की न्यूज इतनी है, हर तरह की वीडियो, हर तरह की पोस्ट, हर तरह की पिक और हर तरह की न्यूज कोरोना पर ही आधारित है, लेकिन इस बीच हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाना भूल गए हैं। और जिस तरह से आप सबको पता है लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से इस बार कैंप ही नहीं लगाए गए, इसलिए लोग भूल गए। और हाँ, जो लोग भूल गए हैं उनको मैं थोड़ा सा अपनी वीडियो के माध्यम से याद दिलवा रही हूँ। और हाँ, आपको पता है जो इस दिवस की जो स्थापना की गई थी वो 1950 में की गई थी, और जो इसके लिए एक सभा निर्धारित की गई थी 1948 में, जिसमें 61 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, हस्ताक्षर हुए थे 61 देशों के। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की डिजीज आती है, उसका कैसे निवारण होगा, कैसे निदान होगा, या फिर उसके लिए क्या स्टेप उठाए जाएंगे उसको ठीक करने के लिए, तो उसका सारा काम करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हम शॉर्ट फॉर्म में बड़े ही प्यार से बोलते हैं WHO। और बहुत सारे लोगों को तो फुल फॉर्म पता ही नहीं है। जिनको नहीं पता उनको मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हर साल WHO एक थीम निर्धारित करता है, और इस साल जो थीम निर्धारित हुआ है वो है हेल्थ वर्कर, मिड हाउसवाइफ और डॉक्टर का योगदान। अब सबसे अच्छी बात ये है कि लॉकडाउन तो है, हम बाहर नहीं जा सकते, ना ही हम कहीं पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते, क्योंकि कैंप ही नहीं लगे तो पार्टिसिपेट करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, जो आपके नॉन में, आपकी जानकारी में जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मिड हाउसवाइफ हैं और हेल्थ वर्कर जो भी हैं, जिनको आप जानते हो, उनको फोन करके आप थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि उनका इस टाइम बहुत ज्यादा योगदान है। और हाँ, इसकी जो स्थापना हुई थी, जो मैंने आपको बताई ना 1950 में हुई थी, वो हुई थी जिनेवा में। इस टाइम 200 से ज्यादा देश कोरोना की चपेट में आ गए हैं और हर देश दुखी है। कुछ लोगों में संक्रमण ज्यादा फैल गया है, कई लोगों को ठीक भी हो गया है, और WHO समय समय पर अपनी कुछ न कुछ सूची निर्धारित करता ही रहता है। जैसे अभी कुछ लोगों को ये है कि लॉकडाउन खत्म हो गया, होने वाला है, कब होगा, या फिर एक बार खत्म होने के बाद गैप दे के दोबारा शुरू होगा, या फिर ये जून जुलाई तक चलेगा, तरह तरह की भ्रांतियां हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि प्लीज बेफालतू की किसी भी न्यूज या फिर किसी भी पोस्ट को पढ़कर या फिर किसी दूसरों की बातों को सुनकर अपना माइंडसेट निर्धारित मत कीजिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। और हाँ, जो हमारी न्यूज हमें जो बता रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हमारे पास एक ही जरिया है जिससे हम सच्चाई जान सकते हैं, वो है न्यूज चैनल। तो किसी भी तरह की फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या फिर दूसरी सोशल साइट्स हैं, जो भी हैं, उन पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि लोग इधर से सुनते हैं उधर बता देते हैं, उधर से सुनते हैं तीसरी जगह और बता देते हैं, आपस में एक दूसरे से सुनते हैं तो वो चीजें बता देते हैं, लोग स्प्रेड करने में कम नहीं हो रहे हैं, सारी चीजें ऐसे फैलती जा रही हैं। कोरोना वायरस से डरना तो अलग चीज है, लेकिन जो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक है, मुझे तो यही लगता है। और हाँ, जैसे कि आज स्वास्थ्य दिवस है, तो प्लीज अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए और योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ वक्त अपने साथ गुजारिए। बेफालतू में एक ही चीज को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर सारा दिन बात मत कीजिए, सारा दिन वीडियो मत देखिए, सारा दिन पोस्ट जारी मत कीजिए, सारा दिन दूसरों से इस बारे में डिस्कस मत कीजिए, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं होता कि अब लॉकडाउन हो गया है तो हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं। लेडीज के साथ तो फिर भी ये है कि घर के बहुत सारे काम है तो पूरा दिन निकल जाता है, कभी क्या कभी क्या, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। लेकिन इस टाइम जेंट्स के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत है, जो लोग ऑनलाइन काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनका काम ऑनलाइन नहीं है, जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। तो उन लोगों को मैं कह रही हूँ, प्लीज अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
अपने साथ टाइम बिताइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए और कुछ अपने आप से भी बात कीजिए कि मुझे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे स्टेप उठानी है और कैसे अपनी लाइफ को नई दिशा देनी है। और हाँ, इस वीडियो में आज इतना ही, और बने रही मेरे साथ, नई वीडियो नए तरीके से आएगी। लव यू ऑल।